केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। मुखिया जी, 5 साल हो गया, 5 साल आप गांव की सरकार में, गांव प्रतिनिधित्व के गांव की सरकार का क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा किया गया? जैसे कि अभी 5 साल हम लोगों को मौका मिला पंचायत में सेवा करने का, हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपना सेवा किए हैं। जो सरकार ने फंड अवेलेबल कराया, हम लोगों ने जो काम आज तक कभी नहीं हो पाया उस काम को हम लोग करने का काम किए। जैसे हमारे उत्तर टोला में एक स्कूल है जहाँ बरसों से जो है नहीं हो पा रहा था, आज उनको हम लोगों ने अपने प्रयास से करने का काम किए। इसी प्रकार से कई ऐसे योजना है जो 100 साल से भी ज़्यादा से पड़ा हुआ था, लेकिन आज तक वो कीचड़ों लोग चलते थे, आज उसको हम लोगों ने काम किया। पंचायत में RTPS काउंटर खुलवाया और हमेशा जनता के बीच में रहने का काम किए। जो लोग भी दरवाजे पर आते थे, मैं कभी उनको वापस नहीं लौटाते थे, उन्हें ज़रूर अपना सम्मान पूर्वक, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए एक चीज एक कुर्सी रखे थे। चलिए, अगर हम काम की बात करें एक एक करके, तो सड़क एक पंचायत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपके द्वारा 5 साल में लगभग कितने सड़क बनाए गए? मेरे द्वारा लगभग 156 सड़क बनाए गए। 156 जी, कन्फर्म। क्योंकि 156 सड़क करीब, हम लोग 5 जिला अभी पंचायत चुनाव के लेकर भ्रमण किए, किसी मुखिया के मुंह से ये नहीं निकला। हमने मनरेगा से 7 निश्चय से 14 वित्त से और कुछ ऐसे सड़क है जो हम लोगों ने ऐसा MLA से, MP से, आर्मी विभाग से, सब मिला सब मिला के लगभग 156 प्लस रोड हम लोगों ने बनाने का। बहुत बड़ी बात है। अगर नाला की बात करें, नाला समेत है 156 रोड और नाला। चलिए, इसके बाद एक मुख्यमंत्री का जल नल निश्चय योजना था, उस पर कितना काम हुआ? 14 वार्ड मेरे पंचायत में है, जिसमें कि 11 वार्ड में विभाग के द्वारा हम लोगों के प्रयास से वार्ड के प्रत्येक घरों में हम लोगों ने नल का कनेक्शन करवाने का काम किया। इसके बाद अगर हम बात करें महत्वपूर्ण हिस्सा राशन कार्ड, राशन कार्ड कितना बना होगा आपके द्वारा? मैं समझता हूं कि आज की डेट में हमारे पंचायत में लगभग 90% लोगों के पास राशन कार्ड है। 90% पेंशन भी लगभग हमको लगता है कि 2500-2600 पेंशन मिल रहा है। उसके बाद शौचालय, शौचालय भी लगभग, अगर आपके दरवाजे पे सुबह शाम हर समय कुछ ना कुछ पब्लिक आता होगा, क्या पब्लिक का आपसे मिलकर जाता है या खाली खाली आदमी लौट के गए? देखिए, मेरे यहाँ माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, हर प्रकार के लोग यहाँ आते हैं। चाहे 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, मेरा मोबाइल ऑफ नहीं रहता है। जिसको भी यहाँ आता, खाली हाथ नहीं लौटाते, उसका काम करके हर हाल में हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं उसका काम हो जाए, पर काम करके ही उसको लौटाने का प्रयास करते हैं। कोई जात पात की राजनीति? मैं अपने जिंदगी में, तो मैं अपने लाइफ में ऐसा कभी सोचे नहीं कि हम जात पात की राजनीति करें। सेवा करना ये सबसे सबसे बड़ा धर्म है, और जिस तरह से मुझे 5 साल हम लोगों ने प्रयास किए, कुछ मेरे साथ परेशानी भी आया, परेशानी खुद अपने आप को झेलने का प्रयास किए, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने दिए। जिस वक्त हो, जिस समय हो, 24 घंटा हम लोग सेवा में लगे रहे, और उम्मीद करते हैं सभी ग्रामीणों से, सभी जनता से, सभी मतदाताओं से, अगर पुनः मुझे मौका मिला, मैं इससे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, अच्छा कर्तव्य करके दिखाऊंगा। चलिए, अगर हम बात करें अच्छा कार्य का, तो पहला कार्य आप क्या जात पात की राजनीति अगर हम देखें करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या ना? नहीं करेंगे। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, आपके पंचायत में विद्यालय है, शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक है तो विद्यालय नहीं, क्या इस ऐसी स्थिति को दूर करेंगे?
बिल्कुल हम लोग करेंगे, जहाँ शिक्षक नहीं है हम लोग शिक्षक जो है लाने का प्रयास करेंगे, विद्यालय जहाँ नहीं है हम लोग विद्यालय बनवाने का भी प्रयास करेंगे। आपके पंचायत के कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि डीलर की मनमानी चरम पर है। हम लोगों ने इसी पंचायत में जो है डीलर को, एक डीलर था हमारे पंचायत में, उनका शिकायत हम लोग कई बार करने का कोशिश किए, जो डीलर सस्पेंड भी हो गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं है, चाहे डीलर का मामला हो या जिस मुद्दे पर मामला हो, हम लोग लड़ाई करने का हमेशा प्रयास किए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं मुखिया जी तो कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन वार्ड कभी कभी आवास में पैसे की डिमांड करता है। देखिए हम खुद इसकी जानकारी कुछ नहीं है, अगर जिससे मांगता हो तो मुझे मेरे कान तक खबर होना चाहिए। नहीं, पब्लिक का कहना है मुखिया जी कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन वार्ड कभी कभी बोलते हैं, क्या अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो इन पर लगाम लगाएंगे? एकदम बिल्कुल लगाम लगाएंगे, ऐसी घटनाएं इस बार जीतने पर नहीं। जिस देखिए इस बार जो है बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखे, अगर मुझे जनता पुनः मौका देती है मैं जरूर इस सब बातों पर बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे, इस चीज का मैं पूर्ण रूप से गारंटी लेता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं शौचालय के बाद आवास, आवास की क्या स्थिति? वैसे परिवारों को इंदिरा आवास हम लोगों ने जो है प्रतीक्षा सूची में देने का काम किया, आज मोटा मोटी 300-350 परिवारों को लगभग इंदिरा आवास का घर मिला होगा मेरे पांच वर्ष के कार्यकाल में। क्या पंचायत भवन या मनरेगा भवन आपके पंचायत में? मनरेगा भवन मेरे पंचायत में बन गया है, लेकिन अभी पूरा फिनिशिंग है, बन के तैयार है। और कोई काम आपने अपने पंचायत में किया हो? ऐसे तो काफी प्रयास हम लोगों ने, जैसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे कोरोना काल में हो, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे प्राइवेट फंड हो या सरकारी फंड हो। क्या ऐसा काम रह गया जो नहीं कर पाए जिसका मलाल? कुछ ऐसा काम रह गया जैसे कि हमारे पंचायत में एक गर्ल हाई स्कूल बनना था, वो अभी नहीं बन पाया जो मेरा सपना है। पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनना था जो नहीं बन पाया, वो मेरा सपना रह गया है बनाने का। पांच ऐसे काम जो इस बार चुनाव जीतेंगे तो आप करना चाहेंगे? पांच ऐसे काम, पहला काम होगा पंचायत सरकार भवन बनवाना, दूसरा काम होगा स्वास्थ्य केंद्र बनवाना, गर्ल हाई स्कूल बनाना, और हमारे गांव में जिस तरह से गांव में कंजेस्टेड जगह हो रहा है, बाहर रोड निकलने का नहीं है, हम गांव से बाहर भी रोड निकालने का काम करेंगे, जो कि परिवार लंबा हो गया और उसको जो रहने का दिक्कत है, खेत है, वहां घर नहीं बना पा रहा रास्ते के कारण, हम वहाँ तक बनाने का काम। शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए भी हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और उसको सुचारू रूप से हम लोगों ने जो सरकार का योजना है आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि आप उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के खास हैं, क्या लगता है कि इस पंचायत में उद्योग के लिए, छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग, उद्योग होता है जिससे कि लोगों को 50-100 को रोजगार मिले, इसके लिए आप कोई पहल करेंगे? देखिए जिस तरह से बताया जाता है कि हम शाहनवाज जी के खास थे, उस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, हम लोग शाहनवाज जी के बहुत नज़दीकी थे, लेकिन आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं, और जहाँ तक हो सके शाहनवाज जी से, उद्योग मंत्री से कह करके पंचायत में जो भी हो सकेगा हम प्रयास करेंगे उनके लिए। क्या नाम है मुखिया जी आपका? मोहम्मद बशारुल हक, ग्राम पंचायत भथोड़िया। से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि पुनः मुझे सेवा करने का मौका दें और मैं आपका हमेशा 24 घंटा सेवक बनकर खड़ा रहूँगा, हमेशा हर दुख सुख में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।